और स्वर्ण समाज के लोग ये ना भूले कि भले आज ये बहुजन समाज की बेटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो राजनीतिक सत्ता में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े गुंडे पल रहे हैं ना, अगर इनको कल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी ना, तो ये आपके घर की बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम फिल्मों में देखते हैं, हमने फिल्मों में देखा है कि किस तरह से फिल्मों को पिक्चराइजेशन किया जाता है, किस तरह से एक राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरह से घटनाएं कराता है, किस तरह से उन घटनाओं को अंजाम देता है, और किस तरह से जो घटनाएं जिसके ऊपर की जाती है उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाकर, उन्हीं लोगों को दोषी बनाकर, उन्हीं को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। और साथियों, यही घटनाएं वास्तविक होती है और वही घटनाएं जो हमारे राजनीतिक नेता है वो इनका फायदा उठाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तक इस देश को बड़े बड़े नारे देने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहूंगी कि धिक्कार है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो कौन सा अधिकार है उन्हें कुर्सी पर रहने का, और किस तरह से वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठने बैठे हैं। और खासकर साथियों, मैं उन महिलाओं को भी यहाँ पर सचेत करना चाहूंगी जो आरक्षण लेकर, चाहे महिला आरक्षण हो या जाति आरक्षण हो, उसके आधार पर संसदों में जाकर बैठी हैं। और खासकर मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो सांसद और विधायक बनी बैठी हैं, जो जब एक हथनी मर जाती है तो इनके इतने लंबे लंबे आंसू निकल जाते हैं, इनकी संवेदनाएं फूट फूट के बाहर निकलती है, ये रोडों पर उतर आती है। एक जानवर के लिए इतनी संवेदनाएं, कोई गाय मरती है तो इनके प्रोटेस्ट निकल आते हैं, करणी सेना हो या हिंदू विश्व परिषद हो या और भी कोई परिषद हो, तब ये बजरंग दल वगैरह सारे निकल निकल के आते हैं। लेकिन आज जब बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कहां मर गए हैं सभी करनी सेना और कहां हम मर गए हैं सभी सांसद हैं? क्या ये हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ गए? जब कोई घटना होती है तो वही स्मृति ईरानी चूड़ियां देने का काम करती है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप एक महिला होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी संवेदनाएं नहीं है। आप एक बेटी है, एक पत्नी है, और आप कहीं ना कहीं इस देश का एक नेतृत्व भी संभाल रही है, और आप राजनीति में आकर इस देश की बहन बेटियों पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। शर्म है, त्याग पत्र दे दीजिए अपने पदों से। जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये त्याग पत्र दे दीजिए। और खासकर मैं वाल्मीकि समाज की उन सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी जो आज आरक्षण लेकर, चाहे वो विधानसभा में बैठी है, चाहे संसद में बैठी है, या फिर मैं कहूंगी कि राज्यसभा में बैठी है, उन सभी महिलाओं को त्याग पत्र दे देना चाहिए।